नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा पुलिस की भर्ती से रिलेटेड एक न्यूज़। वो न्यूज़ क्या है मैं आज आपको वो बताऊंगा। उस न्यूज़ को सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, तब आपको समझ में आएगा कि आज की जो वीडियो है क्यों मैं इसको बना रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी के लिए हर एक नई प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको भी मेरे वीडियो सबसे पहले देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली थी, कांस्टेबल भर्ती पर कोरोना का साया, करना होगा इंतज़ार। जो कांस्टेबल की भर्ती मई में आने वाली थी, इस कांस्टेबल भर्ती को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को। जो आज की न्यूज़ है इसमें लिखा है जागरण संवाददाता जो है देहरादून से, कोरोना ने उत्तराखंड पुलिस की कांस्टेबल भर्ती पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब इस भर्ती के लिए युवाओं को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इसके अलावा रैंकर्स भर्ती प्रक्रिया भी कोरोना के कारण अधर में लटकी है। अधिकारियों का कहना है कि रैंकर्स भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कांस्टेबल भर्ती शुरू होगी। जो रैंकर्स भर्ती थी उसको जब तक ये कम्प्लीट नहीं करेंगे उसके तब तक जो है कांस्टेबल की भर्ती है वो नहीं निकल पाएगी। जैसे ही रैंकर्स भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है वैसे ही इसके बाद से सीधे कांस्टेबल भर्ती शुरू कर देंगे और इसके जो साइड होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाद में बता दूंगा। कोरोना के लिहाज से प्रदेश में हालात ठीक होने के बाद ही विभाग भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आते रहता हूँ। तो ये बोल रहे हैं पुलिस विभाग ने मई 2021 में 2000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई थी। जो मई में भर्ती होने वाली थी उसमें जो कांस्टेबल के पद थे वो 2000 के करीबन थे और सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया होनी थी। तो इसी कोरोना के कारण से जो आपकी भर्ती है वो भी रद्द कर दी गई है, फिलहाल स्थगित कर रखी है, रद्द तो नहीं की है। जैसे ये रैंकर्स भर्ती होती है इसके जस्ट इसके बाद से 2000 कांस्टेबल की भर्ती होना शुरू हो जाएगी, बनाई थी। इससे लंबे समय बाद नौजवानों में उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अचानक आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का साया इस पर भी पड़ गया। दूसरी तरफ रैंकर्स भर्ती प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। सब इंस्पेक्टर व हेड कांस्टेबल के पदों पर होने वाली इस रैंकर्स भर्ती के बाद खाली होंगे पद। पुलिस विभाग में जिन 2000 पद कांस्टेबल की सीधी भर्ती की जानी थी वह रैंकर्स भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिक्त होंगे। रैंकर्स भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा व फिजिकल पास कर लिया है वर्तमान में उनकी कैरेक्टर रिपोर्ट CR अपलोड की जा रही है, इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। दरोगाओं की होगी सीधी भर्ती, जो SI की है ये इनकी भर्ती सीधी होगी। पुलिस विभाग में दरोगाओं की भी सीधी भर्ती होनी है। गत वर्ष दिसंबर में कुछ दरोगा पदोन्नति देकर निरीक्षक बनाए गए थे, इसके बाद से प्रदेश में दरोगा की कई पद रिक्त हैं। इनमें से कुछ पद रैंकर्स भर्ती से भरे जाने हैं, रैंकर्स भर्ती से भी ये भरे जाएंगे। भर्ती के लिए फरवरी में लिखित परीक्षा हुई थी। विभागीय सूत्रों की माने तो इस भर्ती को मेरिट सूची में जारी किया 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। मान के चलिए एक महीने के बाद जहाँ तक है ये हमारी कांस्टेबल की भर्ती खुल जाएगी। तो जितने भी युवा हैं अपनी तैयारी को छोड़े ना, तो अपनी तैयारी करते रहें। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप करते रहेंगे और भगवान की कृपा रही तो आप सब इस बार कांस्टेबल की भर्ती निकाल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।